अस्सलामुअलैकुम, मैं आज चाइना ग्रास का हलवा बनाने जा रही हूँ। तो मैंने एक कप का पैकेट लिया है और इसको सुबह में एक गिलास पानी में भिगो के रखा था, तभी मैं इसको पका के लूँगी। और आधा लीटर दूध ली हूँ मैं, इसको भी बॉईल करके ली हूँ अच्छे से। अभी हम उसमें छान के डालेंगे दूध को। ये बटर स्कॉच है, मैंने दो चम्मच लिया है। शरबत आपके पास रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत कोई भी हो सकता है, तो उसमें डाल के बनाना, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और ये शक्कर ली हूँ मैंने तीन चम्मच। और एक कलर है, फूड कलर है ग्रीन वाला। और चारू ली लगेंगी इसको। ये मैं पका के लेती हूँ, गैस चालू की मैंने, अच्छे से इसको पिघला के लेंगे। सुबह में भिगते डालने से ये अच्छा बनता है। दानेदार अंदर नहीं रहते इसको, अच्छा पकने देंगे। फिर शक्कर ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छे से पक चुका है, मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालो। और मैं वो बटर स्कॉच मीठा है थोड़ा, इसलिए मैंने शक्कर कम ही डाली हूँ। इसको भी अच्छे से पका के लेंगे। इसमें मैं कलर ऐड कर रही हूँ, ग्रीन कलर। रूह अफ़ज़ा है तो आप कलर मत डालो। ज़बरदस्ती बनती है बटर स्कॉच की। रूह अफ़ज़ा की भी बहुत अच्छी लगती है, भास हलवा ये बहुत अच्छा लगता है। शक्कर को घुलने देंगे, फिर ठंडा होने के बाद थोड़ा दूध ऐड करेंगे। अच्छे से पक चुका है, मैं गैस बंद करती हूँ। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। और दूध ऐड करेंगे, फिर मैं दूध ऐड कर रही हूँ इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त कलर आया है। और ये भी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब ये ठंडा हो चुका है, मैं इसमें मिक्सर में एक बार इसको मिक्स करके लूँगी। अच्छा सा झाग आता है उसमें, बहुत टेस्टी लगता है, ज़बरदस्त बनता है, ज़रूर ट्राई करना। एक स्टील का डिब्बा ली हूँ, आप जिसमें उतना चाहिए सेट करने के लिए। अब देख सकते हैं इसको कैसा झाग आया है, बबल्स आए इसके ऊपर। बहुत अच्छे से लगता है, बहुत टेस्टी लगता है ऐसा बना के, ज़रूर ट्राई करना। मैं इस पे से चारू ली, चारों से चारू डालें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।